एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 40 चेन बनाई है और पांचवी चेन में डालकर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये पांचवी वाली चेन में डालकर बनाएंगे। तीन बार में जो फंदे निकाले जाते हैं उसको ट्रिपल क्रोशेट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बार बना लिया, वापस इसी जगह डालकर फिर से हम बनाएंगे एक बार। ठीक है, दो ट्रिपल क्रोशेट हो जाएगा। तो ये वाली डिज़ाइन है, आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, लाइक शॉल में डाल सकते हैं, जैकेट में डाल सकते हैं, मफलर बना सकते हैं। और शॉल तो बहुत अच्छी लगने वाली है, दुल्हन के लिए बनाएं या फिर घर में यूज़ करने के लिए बनाएं। बहुत जल्दी बन जाती है, ऊन भी कम लगती है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। आपके पास अगर कोई पुराना स्वेटर पड़ा है तो आप उसकी ऊन को ठीक करने के बाद भी ये वाली शॉल बना सकते हैं। तो हमने पुरानी ऊन को कैसे ठीक करना है दो तरीके बताए, नए तरीके उसका वीडियो हमने बनाया था। चैनल को ओपन करके देखें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज़रूर देखें। तो इसके अंदर हम 13 बार ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, 13 बार। ठीक है, इसके अंदर एक ही जगह डाल के 13 बार हम बनाएंगे। बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। वैसे इस डिज़ाइन में हमने एक कार्डिगन बनाया है, बहुत सारे लोगों को वीडियो पसंद आया है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज़रूर देखें। देखिए, हमने पूरा बना लिया। अब फिर से हम चार चेन छोड़ के पांचवी वाली चेन में डालकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, दो फंदे एक साथ निकालेंगे। फिर से अब हम चार चेन छोड़ेंगे, अब पाँचवीं वाली चेन में फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर डालकर। देखिए, एक वापस इसी जगह डालेंगे तो दो हो जाएंगे हमारे पास। फिर से इसके अंदर हम डालेंगे तीन, चार, पांच, छह। देखिए, टोटल इसके अंदर हमें 13 बार बनाना है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। अगर आप लोग शॉल बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में 100 चेन या 80 चेन ले, उसके बाद स्टार्ट करें। तो इसके अंदर हमें 13 बार बनाना है, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाना है 13 बार। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो सारी चैनल पे जाकर देख सकते हैं। सब्सक्राइब के सामने जो ऑल बना है आप उसको टच करेंगे तो चैनल ओपन हो जाएगा, फिर वीडियो में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 13 बार बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, फिर से चार चेन छोड़ेंगे और पांचवी वाली चेन में डालकर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। दो फंदे एक साथ निकालते हैं, उसको सिंगल क्रोशेट कहते हैं। देखिए, अब फिर से हमें डिज़ाइन रिपीट करनी है पांचवी वाली चेन में डालकर। इस रो को हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब देखिए, लास्ट वाले में भी हम डालेंगे, लास्ट की जब पाँच चेन रह जाएंगी तो उसमें सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। बट देखिए, दो फंदे रहने देंगे, फिर हम दूसरे कलर की उनको ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पर पाँच चेन बनाएंगे। देखिए, ज्वाइन करने के बाद पांच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच चेन बनाने के बाद इसको घुमाया, एक चेन और लेकर, छह चेन लेकर वापस इसी जगह डाल के एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, सॉरी ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। तीन बार में फंदे निकालेंगे। देखिए, इस तरीके से। अब फिर से हम पांच चेन बनाएंगे, पांच चेन बना लिए। अब सातवीं वाली चेन में डालेंगे। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। सातवीं वाली चेन में डालकर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, दो फंदे एक साथ निकालेंगे। हम पांच चेन लेंगे और जो ये सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, सॉरी ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। तीन बार हम फंदे निकालेंगे। देखिए, एक चेन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर से एक बार ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से हम पांच चेन लेंगे, देखिए सातवीं वाली चेन में डाल के इसको सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करेंगे यहाँ पर।
अब फिर से हम पांच चेन बनाएंगे। के अंदर डाल के एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन लेकर वापस इसी जगह डाल के फिर से एक बार बनाएंगे। फिर से हम पांच चेन बनाएंगे, इसके अंदर डालकर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सातवीं वाली चेन में डालना है हमें। फिर से पांच चेन लेकर और लास्ट वाली चेन में डाल के इसमें डाल के पहले बनाएंगे ट्रिपल क्रोशेट। चेन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर से बनाएंगे। देखिए पांच चेन बनाकर और सातवीं वाली चेन में डाल के सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। से पांच चेन लेंगे, लास्ट में डाल के एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से डिजाइन बनेगी, सिंपल है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब देखिए फिर से हम एक चेन लेकर घुमाएंगे इसको और इसके अंदर डालकर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए फिर से हम स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बीच में डालेंगे और ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पर एक हो गया हमारे पास, दो, तीन, इसके अंदर डालेंगे तो तीन हो जाएंगे। देखिए टोटल इसके अंदर हमें 13 बार बनाना है, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो हमने 13 बार बना लिया, ठीक है। जैसे हमने नीचे बनाया था सेम वैसे ही बनाई है। अब हम फिर से देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो हमने यहाँ पर डालकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो फंदे एक साथ निकालेंगे, ठीक है। अब फिर से इसके अंदर डालकर हम 13 बार बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे। तीन बार में फंदे निकाले जाते हैं उसको ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। इस पूरी रो को हमें ऐसे ही बनाना है। इसको बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमने 13 बार बना लिया। फिर से जो हमने देखिए 13 बार हमने यहाँ पर बनाया है। देखिए फिर से अब हमने जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया था उसमें डाल के सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। इस पूरी रो को ऐसे ही बनाना है और इसके बाद हमें ऐसे ही कलर चेंज करके बनाना है। तो हमने देखिए पूरी डिज़ाइन बना ली है। चार पांच कलर हमने इसमें लगाए हैं, आप कितने भी कलर लगा सकते हैं, दो कलर में ही बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा आने वाला वीडियो ज़रूर देखें। हमने एक बॉयज़ के लिए बहुत ही प्यारा सा स्वेटर बनाया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैम बॉयज़ के लिए कोई स्वेटर बनाएं, तो बहुत अच्छा सा एक स्वेटर है, उसको ज़रूर आप लोग देखें। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो उसको बहुत सारे लाइक दें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे नए वाले चैनल ऑल फैशन टिप्स को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है हम उस पर डालें वॉइस वाला स्वेटर या फिर इस पर डालें, किसी पर भी डाल सकते हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।